केरांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केरांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में चुनाव होना है, त्रिस्तरीय चुनाव, मुखिया का, जिला परिषद का, पंचायत समिति, वार्ड, और प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके घर घर वोट मांग रहे हैं, मत मांग रहे हैं। अभी हमारी पूरी टीम पथरगामा प्रखंड के गंगटा कला पंचायत में है और यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी राम प्रवेश यादव, इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनसे ही जानते हैं कि ये चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, किन कारण से चुनाव लड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि जनता के बीच में जनता का सेवा करने का मुझे मौका दिया जाए। जी, जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दिया जाए। मतलब सेवा करने के उद्देश्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आपके पंचायत में वार्ड कितना है? 11 वार्ड है मेरे पंचायत में। 11 वार्ड में समस्या क्या क्या है? समस्या पानी का है, पेयजल की, और प्लस गली का। जी, पीटीसी का। जी, प्लस गलियों में जो गली है हमारा, सड़क जो है जी, उसमें नाली का व्यवस्था नहीं है। नल जल निकासी की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, प्लस जल निकासी ना होने के कारण कीचड़ बहुत ज्यादा हमारे गलियों में हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मुखिया जी कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, गंगटा कला पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? उनके लिए सभी समस्याओं का समाधान करने का मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। जी, जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप समाधान करें। समाधान करेंगे, जहां तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने की प्रयास रखेंगे। जी, और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि मेरा पंचायत अच्छा रहे, सही रहे। हमारे जनता जितना है, सभी को जितना अधिक से अधिक मैं फायदा दिलाने की कोशिश में रहूँगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा के स्तर। आपके पंचायत में बालिकाओं के पढ़ने के लिए स्कूल है? हाई स्कूल तो है, प्राइमरी स्कूल भी है। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं तो अभी जो है जैसा है सरकार का, वो तो चल ही रहा है। बाकी मेरे उद्देश्य रहेगा कि उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए शिक्षा संबंधी आप कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं, आपके पंचायत में हमको उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिखा। केंद्र तो एक है मेरे, एक भी मेडिसिन नहीं बताया, पर उनकी व्यवस्थाओं में उतनी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। तो आप चुनाव जीत के आएंगे तो इस व्यवस्था को कैसे देखें? इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का मेरे प्रयास रहेगा। जी, प्रयास करेंगे। और ये सरकार से भी मैं अपील रखूंगा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहे। जी, और ठीक रहेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान है? खेलकूद का मैदान नहीं है हमारे पंचायत में, गंगटा कला में खेलकूद का मैदान नहीं। तो यहाँ के युवा खेलकूद करने के लिए कहाँ जाएंगे? खेलकूद का तो ये तो समस्या जगह की पहले हो जाती है। जी, उस तरह की जगह हो तभी समस्या समाधान हो सकती है। तो उनकी प्रयास रहेगी जगह के लिए, सरकार से बात करके उनको भी खेलकूद का मैदान लाने का कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम। महिला सशक्तिकरण पर जितना ज्यादा से ज्यादा जोर रहेगा हमारी ताकत रहेगी उनको। जी, महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी। महिला सशक्तिकरण पर महिलाओं को छोटा छोटा उद्योग और जो भी उनका छोटा बिजनेस जो कर सके वो लगा के आप उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। उनके अपने पैरों पर खड़ा करने की मेरी प्रयास रहे। लास्ट सवाल आपसे, आप पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत की संदेश ये देना चाहते हैं कि हम सभी जितने भी हमारे पंचायत हैं, पंचायत की जनता है, जनता है हमारे पंचायत में 8 बस्ती पड़ते हैं, 8 गाँव पड़ते हैं। इन सभी गाँवों में जा करके मैं उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने की मेरी प्रयास रहेगी। जी, और जो भी महिलाएं हैं जी, उनको मैं जागरूक करने की प्रयास रखूंगा। जी, तो अपने पैर पर
पैरों पर खड़े होकर अपना काम काज संभाले करे, जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे तरफ से सहयोग रहेगा वो मैं करते रहेंगे, उसको आप करते रहेंगे। आपने देखा जी हमारे जो मुखिया प्रत्याशी हैं राम प्रवेश यादव जी, इनकी सोच कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी पहल लेके आए हैं, ये सब क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो या वो स्वास्थ्य का हो या महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, ये घर घर जा भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव मेरा नाम। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप है। क्रमांक संख्या कितने पे है? 4 पे है। और आपका ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत गंगा कला है, प्रखंड पत्थरगामा जिला गोड्डा, पत्थरगामा प्रखंड जिला गोड्डा है। देखते हैं, बाकी जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, कितना समर्थन करती है जनता। ऐसे पीछे ग्रामीण भी है, आइए आप कुछ ग्रामीण से भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जगदीश यादव। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? आवास वगैरह पास हुआ है? आवास नहीं। घर 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 मिला है? नहीं मिला। शौचालय? नहीं मिला। ये भी नहीं मिला। राशन कार्ड में नाम है? हाँ। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। या डीलर का मनमानी चल रहा है? हाँ हाँ, वो तो मनमानी हर जगह होती है, मनमानी चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोलेंगे, यहाँ का तो हम दिखिए रहे हैं 12 साल से, पहले जो क्या था यहाँ को परिवर्तन नहीं हुआ है, और अभी हम यहाँ मुखिया चुन रहे हैं राम प्रवेश यादव को। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ परिवर्तन चाहते हैं कि आगे, ताकि आगे चलकर विकास ज्यादा से ज्यादा हो। राम प्रवेश यादव को वोट क्यों दीजिएगा? उनके क्रियाकलाप अच्छी है यार। अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोलेंगे, कुछ तो बोलिए। राम प्रवेश जी, राम प्रवेश यादव को हम दे रहे हैं कि ये बोला कि हम अच्छा से चलाएंगे, अच्छा सब चीज देखेंगे, इंदिरा आवास भी देंगे, अच्छा और सब कुछ देंगे, इसीलिए आप इनको वोट दे रहे हैं। आइए अब यहाँ के एक युवा ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंबुज कुमार यादव है। अंबुज जी, यहाँ पे कुछ ग्रामीण से हमारी बात हुई, बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, ऐसा क्यों? यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है, रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, और यहाँ पे हम लोग के युवा के साथ मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत दूर जानी पड़ती है। अच्छा। और नज़दीक में ऐसा कोई अच्छा ट्यूशन वगैरह नहीं है, जिसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, छोटी छोटी बच्ची। इसीलिए आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। पिछले मुखिया जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? हम लोग जैसे गंगटा पंचायत पड़ते हैं, हम लोग गांव पड़ता है गंगटा पंचायत, यहाँ पर ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ, मुखिया तो बने लेकिन हमारे बस्ती में ऐसा कुछ भी विकास नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम नवयुवक जितने भी हैं सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और हमारे गांव की जो स्थिति देखते आ रहे हैं कि आज हमारे गली गली में नाले की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, आज पानी पीने की जो वजह है उसके लिए हम परेशान हैं, आज टंकी नहीं है, चापाकल की परेशानी है, तो ये सब परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए नवयुवक इनके पीछे है। जी आप भी बोलिए। जी निश्चित तौर पर परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और होके ही रहेगा। आप क्या कहेंगे? हम लोग तो इसको इसलिए खड़ा किए हैं कि हम लोग को नया बदलना है। आप भी वही कहना चाहते हैं? जी। चाचा आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? 21 साल से मिल रहा है, अभी 3 साल जब 70 बरस पार कर गए तब 81 चल रहा, पहले नहीं तुमको नहीं होगा। अच्छा अब मिल रहा है स्टार्ट? हाँ 3 साल से मिला है। कौन करवाए आपका? राम प्रवेश यादव करवाए हैं। हाँ तो इस बार उनके समर्थन में आप? हाँ खूब है। आपने देखा कि यहाँ के ग्रामीण की जो समस्या है, वृद्धा पेंशन हमारे चाचा जी से बात हुई, वो 91 वर्ष के हो गए हैं लेकिन को इस बार से वृद्धा पेंशन मिल रहा है, बहुत सारी समस्या है लेकिन इन लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। फिलहाल बने रहे कलाचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।